hello students welcome back i am payal and today i will teach you science lesson number 6 living and non living things living and non living things students if you new in my channel so please please subscribe this channel and like this video because your feedback is very important for me if good feedback so i will be continue more videos if not and happy ganesh chaturthi aap sabhi ko ganesh chaturthi ki hardik shubhkamnaye ganpati is the आ, वो क्या बोलते हैं गणपति सुख समृद्धि के देवता है वो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं सो हैप्पी गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट एंड एंजॉय सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट लेसन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स यूनिट नंबर थ्री द वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग जो ये दुनिया है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की है जो हमारा अर्थ है पृथ्वी है वहाँ पर बहुत सारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है अब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स यानी क्या होता है तो लिविंग थिंग्स यानी होता है जिसमें जान होती है नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जिसमें जान नहीं होती सो लेट्स कंटिन्यू आगे और आपको डिटेल में पता चलेगा वीडियो को आखिर तक के देखना लेट्स गैदर द फैक्ट लेट्स गैदर द फैक्ट्स फैक्ट्स यानी क्या होता है जो सच्चाई होती है यानी कि हंड्रेड परसेंट वो सच है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स मूव ग्रो ब्रिथ नीड फूड फील चेंजेस एंड रिप्रोड्यूस अब लिविंग थिंग्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो लिविंग थिंग होता है यानी कि जिसमें जान होती है तो हम अब कैसे पता चल पता करें कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग सो so, लिविंग थिंग्स की मेन बातें है वो चल सकते हैं जैसे कि इंसान जानवर डॉग्स कैट इंसेक्ट्स ये क्या है लिविंग थिंग्स है उन्हें कोई चला रहा है क्या नहीं वो खुद से चल रहे हैं वन एग्जाम्पल रिमोट कंट्रोल कार रिमोट कंट्रोल कार जब तक के आप उसे कंट्रोल नहीं करोगे ऑन नहीं करोगे तब तक के वो नहीं चलेगा तो वो क्या है नॉन लिविंग थिंग है ह्यूमन बींग क्या है लिविंग थिंग है अब लिविंग थिंग्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो ग्रो करते हैं ग्रो यानी कि वो बढ़ते हैं जैसे अभी कोई फ़ाइव ईयर का होगा टेन ईयर का होगा नेक्स्ट ईयर वो इलेवन नेक्स्ट ईयर देन ट्वेल्व नेक्स्ट ईयर देन थर्टीन सो वो क्या हो रहा है ग्रो हो रहा है फिर उसकी हाइट चेंज होगी उसका बॉडी साइज चेंज होगा सो ये क्या कर रहा है ग्रो कर रहा है जैसे प्लांट सबसे पहले वो प्लांट रहता है एक छोटे से सीड से निकलता है प्लांट बनता है प्लांट के बाद हाइट धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक दिन वो बड़ा ट्री बन जाता है तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्रो ब्रित ब्रृत यानी कि सांस लेना ब्रृत यानी कि सांस लेना जो भी लिविंग थिंग्स होंगे वो सांस जरूर लेते हैं नीट फूड जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें खाने की ज़रूरत पड़ती है नीट दी फूड बिकॉज ऑफ दे नीड फूड बिकॉज ऑफ इफ दे कंज्यूम सो फूड विल बी कन्वर्टेड इन एनर्जी और वो क्या करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं रिप्रोड्यूस करना यानी कि जैसे कि एक से खुद के जैसा कुछ दूसरा रिप्रोड रिप्रोड्यूस करना जैसे कि एग्जांपल प्लांट्स प्लांट्स क्या करते हैं प्लांट्स दूसरे प्लांट्स को जन्म दे सकते हैं यस yes, दे सकते हैं कैसे विद दी हेल्प ऑफ सीड विद दी हेल्प ऑफ सीड वो जो दाने होते हैं सीड्स होते हैं वो उनके जरिए बीजों के जरिए वो रिप्रोड्यूस करते हैं और जैसे कि काऊ काऊ क्या करती है जो गाय होती है वो बछड़े को जन्म देती है मुर्गी जो होती है अंडा देती है एग देती है एग से क्या निकलता है चिकन निकलता है जो छोटा मुर्गी का बच्चा होता है वो निकलता है सो so, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोड्यूस सो सी स्टूडेंट्स रीड विथ मी देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड अब क्या है हमारे आजू बाजू बहुत सारी चीज़ें हैं देखो अगर आप बाहर निकलोगे तो आपके घर के बाहर रोड होगा गाड़ियाँ होगी जानवर होंगे पेड़ पौधे बर्ड्स इंसेक्ट्स है ना, मच्छर आपके घर में ही मच्छर है तो फ्लाई ये सब चीज़ें क्या होगी लिविंग थिंग्स होगी यानी कि हमारे आजू बाजू बहुत सारी चीज़ें हैं नंबर ऑफ थिंग्स यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं सम ऑफ देम आर मूविंग ईटिंग एंड ग्रोइंग लाइकस और जो हमारे आजू बाजू चीज़ें हैं उसमें से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जैसे मूविंग यानी हमारे जैसे चलते फिरते हैं ईटिंग यानी कि हमारे इंसानों के जैसे खाते हैं ग्रोइंग इंसानों की जैसी हाइट बढ़ती है छोटे से वो बड़े होते हैं बूढ़े बड़े से वो बुज़ुर्ग होते हैं यानी कि बूढ़े हो जाते हैं उसी तरीके से हमारे आजू बाजू वाली भी चीज़ें क्या करती है ग्रो होती है लाइकस like बिल्कुल हमारे जैसे सम ऑफ द थिंग्स नैदर ग्रो मूव और ऐसी बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपके आजू बाजू जो ना बढ़ती है जो ना चलती फिरती है और जो ना कहीं आ जा सकती है है ना जैसे कि हमारा डोर विंडो हाउस फ्लोर दे एबल टू मूव नो दे कैन नॉट बिकॉज ऑफ दे आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स इज़ एबल टू मूव स्टूडेंट्स हेयर इज द पिक्चर्स गिवन व्हाट थिंग्स इन अवर सराउंडिंग हमारे आजू बाजू कैसी चीज़ें होती है तो बहुत सारी जैसे कि यहाँ पे स्टोन है तो ये स्टोन क्या होगा नॉन लिविंग थिंग्स है क्योंकि बिकॉज ऑफ स्टोन नॉट एबल टू ग्रो बट डॉग इज़ द लिविंग थिंग बिकॉज ऑफ डॉग ऑल्सो फर्स्ट इज द पप्पी पप्पी विल बी डॉग सो growing day by day so it's called living things then again here she's telling something so see student absorb absorb the table and chair in your classroom they do not grow they are non-living things non-living things do not need food water and air to live they cannot eat drink or breathe they cannot even grow or move like living things जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया स्टूडेंट आपके ऑब्जर्व करो आपके आजू बाजू ध्यान से देखो क्या आपके आजू बाजू जो आप, आपकी क्लास रूम है उसमें क्या बोर्ड चलता फिरता है जैसे कि आप स्कूल पे गए तो आपके साथ आया लेकिन आपकी छुट्टी हुई तो आपके साथ जाने लगा बस में ऐसा होता है नहीं चेयर चेयर पे आप बैठते हो जो डेस्क बेंच होते हो, उस पर आप बैठते हो जब आप घर जाते हो तो क्या वो भी जाते हैं आपके साथ नो बिकॉज ऑफ दिस इज़ दी नॉन लिविंग थिंग्स तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स ना ही सांस ले सकते हैं ना ही कुछ खाते हैं ना ही कुछ पीते हैं और ना ही कुछ इधर उधर आ जा सकते हैं हिल सकते हैं और उन्हें इन सब की कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो है नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि टेबल चेयर

Animal and the plants can feel the changes around them. Most animal feel or sense changes around them with the help of their sense organs like eyes ear, nose, tongue, taste, skin, ट स्किन टच सो स्टूडेंट्स हियर अबाउट इंसेक्ट सो जैसे कि इन द सेम वे यानी कि बिल्कुल हमारी तरह एक जैसा जो एनिमल्स प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं इनमें होते हैं ऑर्गन्स ऑर्गन्स यानी कि होते हैं आइज ऑर्गन्स का मतलब होता है आईज ईयर नोज टंक और स्किन ऑर्गन्स यानी क्या होता है ईयर आईज नोज टक स्किन विद दी हेल्प ऑफ आईज हम आंखों के जरिए क्या कर सकते हैं देख सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ ईयर वी कैन हॉर्न हम सुन सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ नोज वी कैन स्मेल हम सूंग सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ टंग वी टंगी टेस्ट टेस्ट द फूड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फूड स्किन स्किन से क्या होता है स्किन में भी हम स्किन भी हमारा एक ऑर्गन है बिकॉज ऑफ अगर सपोज आपको किसी ने मारा स्किन लाल हो जाएगी दुखेगा और रोने आंसू आ जाएंगे बट अगर वही स्किन एक फैदर लिया जाए कुछ पंख लिया जाए और आपके पाव पे हल्का सा जा, सहलाया जाए तो क्या होगा आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएंगी तो हमारी स्किन में क्या है एक तरीके का सेंस है अगर हमें कोई प्यार से हाथ लगाता है तो हमें फ़ील होता है अगर कोई हमें बुरी तरीके से हाथ लगाता है तो भी हमें फ़ील होता है तो ये है स्किन स्किन से टच के ज़रिए पता चलता है तो सेम सेम क्या होता है एनिमल्स में भी होता है ईयर आईज नोज टंग और स्किन के ज़रिए उनमें क्या होते हैं कुछ सेंस होते हैं ऑर्गेंस के ज़रिए ये सारे सेंस होते हैं कोई देख सकता है कोई सुन सकता है कोई खुशबू के ज़रिए कोई टेस्ट के ज़रिए और कोई स्किन के ज़रिए

फॉर ए गर्ल एंड बटरफ्लाई जो ग्रास ऑफर होता है ये ये पार्ट का नेम है सॉरी ये जो कॉकरोच हो गया ये कॉकरोच है ये क्या बोलते ग्रॉस ग्रास ऑफर है जो चिन चिड्डा बोलते हैं मे बी जो घास के ऊपर उड़ता है ऐसा उचक उचक के चलता है और ग्रीन कलर का दिखता है उसे ग्रॉस ऑफर बोलते हैं और ब्रेड बटरफ्लाई इसमें क्या होता है तीनों में आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगी इन लोगों को है एंटीना टू लॉन्ग है ना छोटी जैसे है तो ये है इनके एंटीना अब ये एंटीना इनके क्या काम आता है ये इनकी बॉडी का स्पेशल पार्ट है लाइक जो इनका ये बॉडी है ये जैसे कि ह्यूमन बींग इन ह्यूमन बींग हैव दी स्पेशल पार्ट इज़ दी ब्रेन और हार्ट है ना जो हमारा ब्रेन है अगर हमारे ब्रेन को कुछ हो गया तो क्या होता है इंसान कोमा में चला जाता है अगर हमारा जो धड़कन है वो फास्ट या स्लो होता है तो भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ह्यूमन बींग को एज सेम एंटीना कॉकरोच को है ग्रॉसोफर को है और बटरफ्लाई को है ये इनकी बॉडी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है स्टूडेंट प्लांट कैन ऑल्सो फील लाइक ह्यूमन बींग टच मी नॉट प्लांट फील्स टच प्लांट्स कैन ऑल्सो फील लाइट एंड ग्रो टूवर्ड इट देन यहाँ पे अगेन वन क्वेश्चन किया गया है जैसे एनिमल्स ह्यूमन बींग और इंसेक्ट्स को क्या होता है कुछ फील होता है दुख दर्द सब कुछ ऐसे ही क्या प्लांट्स को फील होता है तो यहाँ पर दिया गया है टच मी नॉट प्लांट टच मी नॉट प्लांट यानी कि हिंदी में हम जिसे बोलते हैं छुई मुई का पौधा सो so, इन टच मी नॉट प्लांट को अगर हम हाथ लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है फोल्ड दी लीव्स यहाँ पे क्या है ओपन लीव्स है ये अभी क्या है नॉर्मल है इसे अभी किसी ने हाथ नहीं लगाया लेकिन जब इसे हम हाथ लगाते टच करते हैं तो ये क्या करते हैं फोल्ड हो जाते हैं मतलब इसे झुक जाते हैं लाइक शर्मा जाते हैं है ना तो दिस लीव्स ऑल आर फोल्ड बिकॉज ऑफ इन टच मी नॉट प्लांट हैव हाँ दिस सेंस अबाउट टच तो इसे टच के बारे में सेंस है इसलिए ने ये एक्शन किया इस तरीके का लेट्स एक्सपेरिमेंट नाउ सो एक्सपेरिमेंट यानी क्या होता है एक्सपेरिमेंट यानी होता है उस चीज़ को प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली करके देखना जैसे कि सपोज़ आपने कुछ देखा कि आ, वन पटैटो से वन पटैटो से क्या कर सकते हैं हंड्रेड फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं यू कांट बिलीव इन वन पोटैटो रियली वी एबल टू डू हंड्रेड फ्रेंच फ्राइज सो so, आपने क्या किया बनाने की कोशिश की उस प्रोसेस को देखा और बनाने की कोशिश की अब बना या नहीं बना लास्ट में वो रिज़ल्ट क्या आया उसी को बोलेंगे हम एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली करके देखना कीप अ फ्लोरिंग दैट नीयर द विंडो एब्जॉर्ब द ग्रोइंग ऑफ द प्लांट आफ्टर अ फ्यू डेज इट्स स्टीम एंड ब्रांचेस ग्रो टूवर्ड दन लाइट अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आप एक छोटा सा प्लांट लो और उसको क्या करो आपके जहाँ पर खिड़की होंगी घर के पास वहाँ पर जहाँ धूप आती हो वहाँ पर आप क्या करो प्लांट को रख दो प्लांट का शेप साइज क्या है आप देख लो पहले फिर जब वहाँ पर सूरज की रोशनी आएगी तो वो क्या होगा उसी डायरेक्शन में ग्रो करेगा, यानी कि उसी डायरेक्शन में वो बढ़ेगा उसके जो ब्रांचेज हो गए ये टहनियाँ हो गई पत्ते हो गए वो सब कुछ क्या होगा सन की ही डायरेक्शन में जो सूरज की रोशनी है उसी के तरफ वो बढ़ेगा यानी कि ग्रो करेगा देन लिविंग लिविंग थिंग्स थिंग्स रिप्रोड्यूस इज रिप्रोड्यूस अब रिप्रोड्यूस यानी क्या होता है रिप्रोड्यूस का ही मतलब रिप्रोडक्शन होता है सो लेट सी स्टूडेंट दिस पैरा विल रीड ऑल लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन animals and plants produce offspring of spring of their own kind this process is called reproduction so reproduce means reproduction animals reproduce either by laying eggs or by giving birth टू यंगर वन अब क्या होता है जो आ, एलिफेंट हो गए काऊ हो गया डॉग हो गया ये क्या करते हैं बर्थ देते हैं किसको अपने ही जैसे बर्थ को बीट को देते हैं जैसे कि ये हो गया यहाँ पपीज हो गया एलिफेंट छोटे एलिफेंट को काऊ बछड़े को सो so, यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट ये बर्थ दे रहे हैं गिव दी बर्थ एंड डूइंग दी रिप्रोडक्शन देन जो हैन हो गई मुर्गी हो गई ये क्या होता है विद दी हेल्प ऑफ एग रिप्रोड्यूस करती है ह्यूमन ह्यूमन्स बींग वैसे ही विद दी हेल्प ऑफ बेबी जो बच्चे के जरिए है उसके जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं इसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं यानी अपने ही जैसा कुछ रिप्रोड्यूस करना फिर से देना प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद दी हेल्प ऑफ सीड्स अब जो प्लांट्स हो गए क्या वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं सो या यस दे आल्सो रिप्रोड्यूस विद दी हेल्प ऑफ सीड्स तो ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे कि यहाँ पे एक ये पेड़ है समझ जाओ ये पेड़ का जो इसका सीड आया यहाँ पे बनाने का है एग्ज़ाम्पल दूसरा जो सीड है क्योंकि बनाना की ब्रांच बनाना से और दूसरे छोटे छोटे झाड़ निकलते हैं नीचे डाउन तो सीड्स नहीं होता उसी को अगर आप काट के टहनियाँ लगा दोगे तो बनाने का पौधा उग जाएगा लेकिन सम प्लांट्स क्या होते हैं सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और सीड से रिप्रोडक्शन करते हैं दिस सीड्स ग्रो इनटू दे प्लांट्स सॉरी दिस सीड्स ग्रो इनटू थिनी प्लांट्स एंड लेटर इनटू अ बिग प्लांट अब क्या होता है छोटा सा जो सीड्स यानी कि बीज होता है वो क्या करता है ग्रो करता है डे बाय डे बाय डे बाय डे और छोटा सा प्लांट होता है थीन यानी कि बहुत ही पतला सा ये प्लांट होता है लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता है बिग प्लांट बन जाता है ये है बिग प्लांट और बिग प्लांट बनने के बाद वो एक ट्री के फॉर्म में बन जाता है तो प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं इस जरिए Then see students here is given again most example. Some plants can also give rise to new plants out of their roots, stem of leaf, for example, curry leaf, root, money plant, sugar can. एंड ब्रायोफिलम ब्रायोफिलम सो ब्रायोफिलम देखिए मनी प्लांट शुगर कैन बंबू प्लांट और ब्रायोफिलम तो ये क्या कर रहे हैं मनी प्लांट क्या करता है विद दी हेल्प ऑफ स्टीम यानी कि इसका एक टुकड़ा लगाओ दूसरी जगह फिर से उगने लगेगा वैसे ही शुगर कैन को भी आप टुकड़े कर कर के ऐसे छोटे छोटे पार्ट आप लगा लो ये ग्रो करने लगेगा उसी तरीके से आप बाम्बू को लो उसका टुकड़ा यहाँ से वो ग्रो करने लगेगा उसी के आप बाद ब्रायोफिलम लो वो क्या करेंगे एक पत्ते से इधर इधर से वो बढ़ने लगेगा और ये जड़ है तो मिट्टियाँ पकड़ लेंगे तो प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं थोड़े अलग अलग ढंग से नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, वो रिप्रोड्यूस नहीं करती जैसे कि अगर सपोज़ हम घर पर एक चेयर लाए तो एक दो साल बाद क्या वो दो चेयर हो जाएंगी नो no. जबकि वो भी टूट के बेकार हो जाएगी सो so, इस तरीके से लिविंग बींग्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड स्मेल ऑफ़ देयर फूड्स एंड सैंड फील्स गैदर अराउंड द शुगर तो जैसे कि चीटी हो गई तो चीटी क्या करती है चीटी अपने स्मेल के जरिए पता लगा लेती कि शुगर कहाँ पर है और उन लोग सब मिलकर आ जाते और शुगर पे धावा बोल देते हैं रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस का मतलब होता है गिव बर्थ टू देंगर वन यानी कि जवा अपने जैसे सेम इसको बर्थ करना पैदा करना स्टोमाटा स्मेल स्मॉल ओपनिंग्स ऑन दी लीव्स विच हेल्प इन ब्रीदिंग जो ये होता है ये स्मेल से और ब्रीदिंग इसके जरिए होते हैं देन लेट्स टॉक नाउ इसके बारे में हमें बात करनी है एनिमल्स प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स आर दी लिविंग थिंग्स अराउंड अस सी स्टूडेंट्स जो हमारे प्लांट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं यानी कि जो इंसान है जानवर है छोटे छोटे जीव जंतु है और प्लांट्स है ये सभी क्या है हमारे आजू बाजू है और ये लिविंग थिंग्स है लिविंग थिंग्स मूव्स ग्रो टेक फूड ब्रीथ फील चेंजेस रिप्रोड्यूस एंड ग्रो ओल्ड एंड डाई सो क्या होता है जो लिविंग थिंग्स होती है वो पैदा होती है बढ़ती है ग्रो होती है और बड़ी होती है और मरती भी है और इन्हें ये चल फिर सकते हैं बड़े हो सकते हैं खाना खाते हैं सांस ले सकते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं यानी पैदा करते हैं और ओल्ड भी हो जाते हैं यानी कि बूढ़े हो जाते हैं और एक दिन मर भी जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग थिंग्स बट दे डिफरेंट इन मैनी वेज प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं लेकिन इन लोगों का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलग है डिफरेंट वे में thank you students thank you for watching please please like the video subscribe and share because your feedback is very important for me sometimes i feel very disappointed i don't know i should make videos or not so please please support me thank you